शहर की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों वाला ये जिला है और इस पर 3 पत्रकारों के एग्जिट पोल का औसत जो निकलकर सामने आया है, औसत ये है कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है, जबकि इसी एग्जिट पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी की साइकिल 2 सीटों पर चल सकती है। अपने अपने तर्क हैं तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के और उसी तर्कों के आधार पर जो निचोड़ निकाला है हमने वो तो सामने रख दिया है। अब आपको अशोक गोयल वरिष्ठ पत्रकार का बता देते हैं आंकलन। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें दे रहे हैं, यानी कि 7 सीटों में से 2 पर साइकिल चल सकती है और 5 पर फूल खिल सकता है भारतीय जनता पार्टी का। किसी और पार्टी को कोई मौका यहां पर नहीं मिल रहा है। इसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं चक्रपाणी चक्र वरिष्ठ पत्रकार की। तो वो अपने आंकलन में समाजवादी पार्टी को 2 सीटें दे रहे हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें दे रहे हैं। इस तरीके से चक्रपाणी चक्र ने बंटवारा किया है बुलंदशहर की सीटों का। अगर हम बात करें तीसरे वरिष्ठ पत्रकार हरि अंगीरा का तो उन्होंने आंकलन ये दिया है कि 4 पर साइकिल चल सकती है यानी समाजवादी पार्टी जीत सकती है और कुल 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, यानी बुलंदशहर में सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही देख रहे हैं तमाम वरिष्ठ पत्रकार।